नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रोहतास जिले के नोखा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में सोमवार को नोखा प्रखंड प्रमुख धनंजय चौधरी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख ने किया। प्रमुख ने कहा कि ब्लॉक कर्मचारी की मनमानी के खिलाफ में बैठक आयोजित की गई है। कोई भी जनता के काम सही समय पर नहीं किया जा रहा है, लोग भटक रहे हैं, अफसर मनमानी कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित उप प्रमुख कैलाश पासवान, नोखा प्रखंड के मुखिया, संघ के अध्यक्ष दयानंद सिंह मुखिया, चितरंजन तिवारी, दीनानाथ राय, रंजीत पासवान मुखिया प्रतिनिधि, विवेक सिंह, बबलू कुमार गुप्ता, राकेश कुमार, रूपेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य गुड्डू चंद्रवंशी, अजय पाल, अरविंद कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ कर्मचारी का मनमानी चल रहा है, जनप्रतिनिधि का मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जनता का कागज का समय से काम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये मीटिंग रखा गया। मीटिंग में कौन कौन लोग उपस्थित थे? मीटिंग में कार्य की मुखिया संघ और पंचायत समिति संघ दोनों। आप मैंने क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं कि RTPS पंचायत में कार्य की जितना कर्मी है उनको पंचायत में भेजा जाए। वी टाइम न्यूज़ के लिए नोखा से मंटू कुमार की रिपोर्ट।